अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक ठाक और खुश रखे। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने के लिए लाई हूँ वो है भिंडी गोश्त की। ये मेरे पास 1 किलो भिंडी है जो मैंने इस तरह इसकी कटिंग कर ली है। आप जिस तरह चाहें कर सकते हैं। और मसालों में मेरे पास ये है 1.5 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच ये है मेरे पास धनिया पाउडर, और ये 1 चम्मच फुल भर के है दड़ा मिर्च। आप दूसरी मिर्च भी ले सकते हैं, आम जो मिर्च पाउडर होता है, दोनों आधी आधी मिक्स भी ले सकते हैं, ऐसी भी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। ये मेरे पास है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मेरे पास तकरीबन 5 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, जो मैंने इनकी इस तरह छोटी छोटी कटिंग कर ली है। और ये मेरे पास थे 6 दरमियाने साइज़ के प्याज, जो मैंने ये इस तरह इनको काट लिया है। और ये 1 किलो चिकन है। आप ये मटन में भी, मैं आगे बकरा ईद आ रही है, आपका जैसे दिल चाहे वैसे बनाएं। मेरे पास चिकन था, ये मैं चिकन में बना रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये भिंडी फ्राई कर लेती हूँ। और ये मेरे पास 1/4 कप सरसों का ऑयल है। आपने ये अपनी मर्जी से जो मर्जी तेल ले सकते हैं। तो आज मैं आपको कम तेल में भी भिंडी फ्राई करने का तरीका बताऊंगी। ये बहुत अच्छी फ्राई होगी और बिल्कुल भी इसमें लेस नहीं होगी। तो अब ये भिंडी फ्राई हो रही है, तो आप इसमें स्टेज पे 2 से 3 चम्मच सोया सॉस डाल दें। तो ये कम ऑयल में भी फ्राई होगी तो लेस बिल्कुल भी इसमें नहीं होगी। तो ये देखें, ये भिंडी को फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और अभी भी इनके हिसाब से ऑयल बहुत कम है, लेकिन हमने सोया सॉस की वजह से लेस देख लें कि अभी ये कच्ची हैं और इनमें लेस बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़ी सी देर में ये फ्राई करके मैं ये निकाल लूँगी। ये इससे ज़्यादा नहीं करनी। अब देखें, ऑयल भी इसके नीचे है, भिंडी का कलर भी नहीं खराब हुआ और लेस भी बिल्कुल इसमें नहीं है। तो ये मैं अब निकाल लेता हूँ जी। ये तो भिंडी का ही थोड़ा सा ऑयल है, उसी में मैं ये प्याज डाल दूँगी। जी तो ये प्याज थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, बस हमने ज़रा से ये छोटे ही करने थे, इसी तरह खड़े खड़े रखने हैं। तो ये मैं अब निकाल लूँगी। ये थोड़ा सा ऑयल डाला, इसमें अब मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगा। तो ये लहसुन को 1 मिनट हुआ है, अब इसमें ये चिकन छोड़ दूँगा। दूसरी चिकन की थोड़ी देर बुनाई करेंगे। ये देखिए, उसको फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें ये तमाम स्पाइसेस डाल दूँगी। अब ये टमाटर शामिल कर दें। अब ये टमाटर शामिल करने के बाद ये थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए चूल्हा आहिस्ता कर देंगे।
ये देखें तकरीबन से 5 से 6 मिनट हुए हैं और ये टमाटर का ही पानी है, मैंने हल्की आंच पे से चूल्हा कर दिया था, तो ये टमाटर का अपना पानी है। अब किसी में चिकन गल जाएगा, मज़ीद पानी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी में 5 से 7 मिनट बाद ये पानी खुश्क हो जाएगा, तो इसकी बुनाई कर लेंगे। ये तो इसका पानी खुश्क हो गया टमाटर का और चिकन भी गल चुका है, तो अब हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे अच्छा सा मसाला भून जाने के बाद। जब इसको फिर ऊपर आ जाएगा तो मैं इसकी भिंडी और वो प्याज शामिल कर, तो ये देखिए ये चिकन अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें हम ये जो हमने प्याज फ्राई करे थे ये शामिल कर देंगे। ये मटन उर्वीज में भी बहुत अच्छी बनती हैं भिंडी, बस उनका थोड़ा सा तुरफी जो लंबा होता है उसको ज़रा गलने में टाइम चाहिए होता है, उनको भी गला के बिल्कुल जब गोश्त गल जाए तो इस स्टेज पे सेम आपने यही तरीका करना है। भिंडी शामिल कर और साथ में ये थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये आपको वीडियो में नज़र आ रही होंगी, मैंने काट के रखी हुई थी। जी तो अब ये बिल्कुल तैयार है, तो मैं अब इसे डिश में डालने लगी हूँ। जी तो ये भिंडी गोश्त बन के आपके सामने तैयार है, आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। ये ईद पे मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं, जो आपका दिल चाहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बशर्ते ज़िंदगी फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।